स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। आप लोगों को इससे तो आप लोग अवगत हो ही गए होंगे, जो अभी बेसिकली सिलेबस दो तीन दिन पहले अनाउंस कर दिया गया बीपीएससी के द्वारा। तो आज इसमें हम लोग बेसिक जो बुक्स हैं जो आपके प्रिपरेशन में मदद करेगी, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम भी नहीं आपके पास। अगस्त में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो कम से कम टाइम में ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है तो हम लोग आपको बुक्स भी सजेस्ट करेंगे। लेकिन एक नज़र इसको हम लोग पहले देख लेते हैं और समझते हैं मोटे मोटी तौर पर कि बीपीएससी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहा है और बीपीएससी का लेवल क्या है, और उसी हिसाब से हमें अपने प्रिपरेशन को भी आगे बढ़ाना है। तो पहले मोटे मोटे तौर पर इस न्यूज़ को हम लोग समझते हैं कि बिहार टीचर वैकेंसी के प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन होगा, जो हम लोग सब जानते हैं, और तीनों श्रेणियों की परीक्षाओं में बहुविकल्पिक यानी कि मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चंस वाले आपके एग्जाम पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। इसमें निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था है, अगर निगेटिव मार्किंग है तो क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक होगा। आप ये मत समझिए कि आप प्राथमिक के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या माध्यमिक के लिए कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम हो गया एज कम्पेयर टू द आपके उच्च माध्यमिक वाले एग्जाम्स, ऐसा समझना बिल्कुल गलत है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, क्वेश्चन ट्विस्टेड बिल्कुल आएगा, और बीपीएससी का जो लेवल है फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस उसको वो बरकरार रखेगा। वो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम इजी पीजी केक आपको दे देगा, बल्कि थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या था न्यूज में कि शनिवार को तो ये हुआ है, हम सभी को पता है, वेबसाइट पे अपलोड है। मोटे मोटे तौर पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम लोग देखेंगे। प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन होगा और तीनों श्रेणियों की परीक्षाओं को बहुविकल्पिक किया जा रहा है। सामान्य अध्ययन की लिखित परीक्षा में सामान्य, अब इसमें देखिए कि आपको एक बेसिक नंबर को भी आपको क्वालिफाई भी करना है। ऐसा नहीं कि हाँ आपने अगर पेपर को दिया, अगर पेपर आप क्वालिफाई किसी एक सब्जेक्ट में नहीं कर पाए और दूसरे में आपका मेरिट लिस्ट से भी ज्यादा मार्क्स आ रहा है तो आप एलिजिबल नहीं हो, आपको क्वालिफाई भी करना है। आप यहां पे देख सकते हो कि सामान्य अध्ययन की लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम पासिंग मार्क्स लाने अनिवार्य हैं और निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था होगी। ठीक है, भाषा से होगा 100 अंकों का पहला पेपर। ये जो पहला पेपर होगा ये आप लोग समझ लो कि ये बस क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होगा। ये अभी हम लोग प्राथमिक के लिए देख रहे हैं। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए 100 अंकों का पहला पेपर भाषा अर्हता होगा। एक एक अंक के 100 प्रश्न दो भागों में पूछे जाएंगे, मतलब प्राथमिक से लेकर प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए 100 अंकों का पहला पेपर होगा और एक एक अंक के 100 प्रश्न दो भागों में पूछे जाएंगे। पहले भाग में प्रश्न संख्या 1 से 25 तक अंग्रेजी भाषा के होंगे और भाग दो में आपके हिंदी उर्दू बांग्ला भाषा के प्रश्न होंगे। किसी एक भाषा का चुनाव आपको करना होगा, मतलब इंग्लिश कंपलसरी है और उर्दू बांग्ला और हिंदी में से आपको कुछ चूज करना है। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें अभ्यर्थियों को कम से कम 30% मार्क्स लाना होगा। ये जो आपका लैंग्वेज वाला पेपर है 150 अंकों का होगा सामान्य अध्ययन, और दूसरा पेपर जो होगा वो 150 मार्क्स का होगा जिसमें आपका जीके जीएस पूछा जाएगा और इसमें भी आपके निगेटिव मार्किंग होंगे। ये आप देख लो कि दूसरा पेपर 150 अंकों का सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा, एक एक अंक के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे में सभी प्रश्नों के जवाब देने होंगे। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न होंगे। और उसके बाद देख लो कि इसके बाद हम लोग बुक्स को भी सजेस्ट करेंगे। आप नीचे देख भी रहोगे कि किसी भी तरह का बुक्स या स्टडी मटेरियल्स आपको मंगवाना होगा तो आप हमारे ऐप या वेबसाइट से या व्हाट्सएप नंबर भी जो नीचे दिख रहा होगा उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट करके इंडिया में कहीं पे भी आप बुक्स या स्टडी मटेरियल्स मंगवा सकते हैं हमसे। 2 भाग में होंगे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के प्रश्न। अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का क्या सीन है उसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो सामान्य अध्ययन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक का पेपर 2 भागों में होगा। पहला खंड 100 अंकों का होगा, इसमें एक एक अंक के 100 प्रश्न हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान और उच्च माध्यमिक में उर्दू, संस्कृत, गणित, भौतिकी, रसायन, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस आदि विषय से होंगे। इसमें आपको चूज करना है पेपर,
ठीक है। दूसरा भाग जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा, ये आपका जो होगा जीके जीएस का होगा। मतलब अगर आप प्राथमिक के लिए जा रहे हो, आप माध्यमिक के लिए जा रहे हो, आप उच्च माध्यमिक के लिए जा रहे हो, आपसे जीके जीएस का क्वेश्चंस पूछा जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट भी जो है जीके जीएस के मार्क्स पे ही बनेंगे और बाकी लैंग्वेज के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लैंग्वेज में आपके लिए ऑप्शन होगा कि आप किसी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हो, अब अगर आप प्राथमिक की बात कर लो, माध्यमिक की कर लो या उच्च माध्यमिक की कर लो। लेकिन जो कॉमन चीज है वो मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आपका जीके जीएस का क्वेश्चंस होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा और बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तो क्वेश्चन का लेवल ट्विस्टेड एंड टर्न भी होगा। तो कुछ बुक्स है जो कि आपको सजेस्ट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि आप जो प्रधान शिक्षक वाला भी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसके लेवल का भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, उसके लेवल का भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी बीपीएससी ने पूरा पूरी जो है सिलेबस को अनाउंस कर दिया है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा आपके लिए अभी वो होगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट का बीपीएससी पीटी का आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो, बीपीएससी पीटी का टेस्ट सीरीज आप लगाना शुरू कर दो, क्योंकि इसका भी सिलेबस वही होता है, जीके एंड जीएस होता है और टेस्ट सीरीज से आपको अपना जो है सेल्फ इवेल्युएशन भी हो जाएगा। तो आप इसको शुरू कर सकते हो अभी से ही और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज आते हैं, आप हमारे ऐप या वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो ये हो गए टेस्ट सीरीज की बात, टेस्ट सीरीज से आपका अपना सेल्फ एवेल्यूएशन होगा और बीपीएससी का भी जो पेपर है वो 150 क्वेश्चंस इसमें भी पूछे जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उसके बाद अगर स्टडी मटेरियल नोट्स की बात की जाए तो ये खान सर की जो नोट्स है पूरे कंप्लीट जीके जीएस का ये पैकेज ही आता है, इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सभी का आपको नोट्स ऐसे अलग अलग बुकलेट्स में आते हैं, आप इसको भी एक बार देख सकते हो। इसका भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में इसके पूरे कंप्लीट नोट्स का रिव्यू डाल देंगे, आप इसको भी देख सकते हो। नोट्स में आपके ज्ञान बिंदु का भी आता है जीके जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसका भी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको भी देख सकते हो। और अगर आपको टेस्ट सीरीज लगाना है तो सबसे बेस्ट आपके लिए भी ऑप्शन होगा कि आप बीपीएससी पीटी का जितना भी मॉडल पेपर है, मॉक पेपर है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, उसको आप अभी से लगाना शुरू कर दो। एक और बुक आती है सार संग्रह की, इसको भी आप देख सकते हो। सार संग्रह आती है प्रतियोगिता दर्पण की, ये दो तरीके से आती है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे। एक आती है 2010 से लेके 2023 तक का, एक आता है 2015 से लेके 2023 तक का। तो ये तीन चीज जो है ये सजेशन है आपके लिए कि आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। यहां पे मैं लिख देता हूं बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, ये भी 150 क्वेश्चंस के एग्जाम्स होते हैं और आपके जो प्राथमिक वाला वो भी 150 क्वेश्चंस का है और बाकी जीके जीएस तो आपको तीनों में कॉमन है, आप जान रहे हो, और वही सेम सिलेबस है आपके बीपीएससी पीटी का, जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी जो भी है, जो अभी आपको सजेस्ट करा हमने स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज सब इसी के लायक है। उसके बाद बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज के बाद खान सर का आप नोट्स देख सकते हो फाउंडेशन वाला, इसी तरीके से आपका फाउंडेशन का ज्ञान बिंदु का भी नोट्स आता है, उसको भी आप देख सकते हो, सबका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एक तीसरा चीज हमने आपको सजेस्ट किया था सार संग्रह, सार संग्रह आता है प्रतियोगिता दर्पण का, ये आपके 2010 से लेके 2023 तक का भी आता है और एक आता है आपका 2015 से लेके 2023 तक का, इसका भी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये तीन जो है मोटा मोटी तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है और बहुत ही ज्यादा आपके लिए पाइवोटेड कंटेंट हो सकता है आपके आगामी शिक्षक वाला जो वैकेंसी है उसके लिए। टाइम बहुत कम है, अगस्त तक आपका मोस्ट प्रोबेबली चांस एग्जामिनेशन हो जाएगा और हम लोग अभी इसी का वेट कर रहे थे बेसिकली सिलेबस का ही, तो सिलेबस आ चुका है तो आप तैयारी भी अपनी शुरू कर दो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो, आशा करते हैं कि हमारा ये सजेशन आपको पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल या बुक्स ऑर्डर करना है तो आप हमारे ऐप, हमारे वेबसाइट या हमसे व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन, थैंक यू सो मच।